मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों हमने लास्ट टाइम मेरी गोल बुक में देखा था और यूनिट नंबर 10 फ्लाइंग मैन। ओके, फिर हमने स्टोरी भी देखी थी। अप्पू द टेलर एंड हिज फ्रेंड। ओके, उसमें अप्पू की और कालू की स्टोरीज थी, हमने देखी थी स्टोरी, है ना, है ना बच्चों। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये एक्सरसाइज करवाई थी आपको, द लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर था देखो, फर्स्ट है पुलिसमैन, टीचर्स, फिर टेलर, डॉक्टर, मिल्कमैन, ड्राइवर, ओके, फिर गार्डनर, नर्स एंड यहाँ पर पोस्टमैन, है ना बच्चों। तो ये स्टोरी, ये आपने एक्सरसाइज कर ली होगी। ओके, अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको इसी में ये रह गई थी। ओके, पीछे वाले पेज वाला रह गया था। ओके, तो नाउ देखो यहाँ पर है, ये है हेयर कटिंग करें, ये तो इसे हम बार बार कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको सर्कल करना है, मेक अ सर्कल। फिर नेक्स्ट है पायलट और पुलिसमैन, तो ये है पायलट। ओके, एरोप्लेन है देखो यहाँ पर पायलट। ओके, सर्कल करना है, ये स्पेलिंग आपको लिखना है बच्चों। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पोटर एंड फार्मर, तो कौन है पोटर और फार्मर, तो यहाँ पर पोटर में सर्कल करना है। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पर गार्डनर और फार्मर। ओके, ये फार्मर ओके, यहाँ पर फार्मर में अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है बच्चों। ये टेलर और कोबलर, तो यहाँ पर टेलर नहीं है, कोबलर में सर्कल करना है। फिर यहाँ पर है कारपेंटर और कोबलर, तो ये कारपेंटर है, फर्नीचर बना रहा है। ओके, तो इस पर सर्कल करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम रीड द सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक है। ओके, और यहाँ पर पिंक में हमें कुछ वर्ड गिवन है। ओके, उसके थ्रू हमें अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, कि फिल इन द ब्लैंक, आंसर फिल करना है। ओके, द फर्स्ट है अ डैश मेक अ क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स कौन बनाता है बच्चों, हमें भी मालूम है ना, तो नाउ टेलर, तो ये टेलर फर्स्ट में होगा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे टेलर। ओके, नाउ टेलर, अ टेलर मेक्स क्लोथ, अंडरस्टैंड बच्चों। फिर नेक्स्ट अ डैश टीच अस, हमें कौन पढ़ाता है बच्चों। ओके, तो कौन, यस आप सबको मालूम है टीचर, तो यहाँ पर टीचर कहाँ पर है, ये है टी ई ए सी एच ई आर। ओके, तो यहाँ पर लिखना है टीचर। ओके, ओके, नाउ थर्ड नंबर अ डैश मेक अ पोट, पोट कौन बनाता है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मेक सपोर्ट, पोट कौन बनाता है पोटर। ओके, तो नाउ पी ओ डबल टी ई आर। ओके, फिर फोर नंबर है अ डैश मेड अ शूज, शूज कौन बनाता है बच्चों, हमारी शूज को पॉलिश करता है। ओके, तो नाउ देखो यहाँ पर ये, ओके, तो कोबलर। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट, यहाँ पर लिखना है कोबलर। ओके, ये फोर नंबर में रहेगी। ओके, ये थ्री नंबर। ओके, तो कोबलर, तो आप लिख सकते हो ओके, अंडरस्टैंड इट। फिर फाइव नंबर है अ डैश मेक्स अ टेबल्स एंड चेयर, तो टेबल एंड चेयर कौन बनाता है, फर्नीचर, मतलब कि फर्नीचर कौन बनाता है, तो नाउ कारपेंटर। ओके, इसे क्या कहेंगे कारपेंटर, तो कारपेंटर। ओके, सिक्स नंबर अ डैश ब्रिंग्स अ लेटर, हमारे लिए लेटर कौन लाता है पोस्ट ऑफिस से, तो नाउ पोस्टमैन। ओके, पोस्ट मैन। ओके, फिर नेक्स्ट बच्चों सेवन नंबर है यहाँ पर अ डैश ड्राइव अ बस, बस को कौन ड्राइव करता है, तो नाउ बच्चों ड्राइवर। ओके, तो डी आर आई वी ई आर। ओके,
होते हैं ड्राइवर। नेक्स्ट 8 नंबर, अ डेज ग्रो अ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स मतलब कि जो पाक होता है ना, खेती करना है ना, तो उसे कौन ग्रो मतलब कि उगाना, तो पाक को कौन उगाता है, तो फार्मर। ओके ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों, तो लिखना है यहाँ पर फार्मर। 9 नंबर है, अ डेज गिव्स अ मेडिसिन। मेडिसिन मतलब कि दवाइयाँ। ओके, तो दवाइयाँ हमें कौन देता है बच्चों? ओके, बोलो बच्चों, डॉक्टर। तो डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होगी? DOCTO। हाँ, आपको तो यहाँ से बॉक्स में से देख के फिल कर सकते हो। ओके, हम डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। फिर 10 नंबर, अ डेज कट्स हेयर। कट्स मतलब कि काटना। ओके, हमारे बाल कौन काट देता है? तो बार्बर। ओके, हेयर कटिंग कौन करता है? बार्बर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ डैस ड्रिंक्स अ मिल्क। मिल्क हमें मिल्क मैन। ओके, मिल्क मैन हमें मिल्क प्रोवाइड करता है। ओके, मिल्क मैन। ओके, फिर नेक्स्ट, अ डैस कैचेस थीव्स। तो थीव्स मतलब कि चोर। चोर को कौन कैच करता है, पकड़ता है बच्चों? तो नाउ पुलिस मैन। ओके, पुलिस मैन क्या करता है बच्चों? तो चोरों को पकड़ने का काम करता है, काम करते हैं ना बच्चों, तो पुलिस मैन। नाउ नेक्स्ट, डैस फ्लाइज एरोप्लेन। ओके, तो एरोप्लेन कौन उड़ाता है बच्चों? तो नाउ पायलट। हमने देखा पायलट है ना, PILOT, पायलट। ओके, पायलट फ्लाइज एरोप्लेन्स। ओके, नाउ 14 नंबर, अ डैस वाटर द प्लांट्स। तो प्लांट्स को पानी कौन करता है, देता है? तो गार्डनर। कौन बच्चों? गार्डनर। ओके, गार्डन होता है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ प्लांट्स को पानी देने का काम कौन करता है? गार्डनर। ओके बच्चों, तो ये फिल इन द ब्लैंक आपको लिखनी है। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों, ये आप ऐसे क्लिप ले लो। ओके, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके, पूरी फिल इन द ब्लैंक। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। फिर हमने देखा था यूनिट नंबर 10 में द टेलर एंड हिज फ्रेंड, मतलब कि अप्पू वाली स्टोरीज हमने देखी थी, है ना बच्चों? अप्पू और कालू की स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, तो उसके हम अकॉर्डिंग देखो बच्चों, ये है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। हमने अप्पू वाली स्टोरी देखी थी, है ना? एक कालू नाम का टेलर होता है, उसकी शॉप रिवर के नज़दीक होती है। फिर उसका फ्रेंड होता है अप्पू, जो एक एलिफेंट होता है ना, तो कालू उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें खाने को देता है। बट एक दिन उसको एक शरारत सूझी और उसने अप्पू के ट्रंक में उसने कुछ ऐसा खाने की चीज़ के अंदर सुई रखी और उसको नीडल्स मतलब कि सुई चुपो दी, और अप्पू बहुत गुस्सा हो गया था। और दो दिन के बाद वो अपनी सूंड में, अप्पू सूंड में पानी भर के आया था और कालू की पूरी दुकान को गीला कर दिया था, है ना? तो ये स्टोरी हमने पढ़ी थी ना बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हमने MCQs करने हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शंस आंसर टिक करने हैं। ओके, तो नाउ ये बच्चों देखो, यहाँ पर है ब्राइट करेज, ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स। अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप क्या करें बच्चों, अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लिख ले आपकी नोटबुक में। ओके, ऐसे क्लिक ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले और लिखना है आपको। ओके, हु वाज कालू? तो कालू कौन था बच्चों? मैंने अभी बताया, टेलर, कोबलर, एलिफेंट या मंकी। तो कालू इज टेलर, है ना? तो आपको यहाँ पर लिखना है ए। ओके, टेलर, समझ में आया बच्चों? सेकेंड है, हु वाज अप्पू? तो ए कोबलर, बी माउस, टेलर या डी। तो अप्पू इज अ एलिफेंट, है ना? तो यहाँ पर लिखना है डी। ओके, वेयर वॉज कालू सो? कालू की दुकान कहाँ थी? तो मैंने बताया आपको कि नदी के पास थी।
तो ए नियर द जू, नियर द रिवर, नियर द लेक, नियर द स्कूल। तो किसके पास थी? नियर द रिवर। तो यहाँ पर ऑप्शन करना है बी। ओके, समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, व्हाट डिड कालू मेक्स? तो कालू क्या बनाता था? तो कालू टेलर था, तो वो बच्चों के लिए कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स बनाता था, हमने ये स्टोरीज में देखे थे। ओके, तो कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर एलिफेंट? नो। तो कलरफुल फ्रॉक्स फॉर गर्ल्स? नो। कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट फॉर चिल्ड्रन? तो यस, सी आंसर इज राइट। तो यहाँ पर लिखना है सी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड द कालू गिव अप्पूज एवरी डे? कालू अप्पू को हर रोज क्या देता था? तो नाइस थिंग्स टू वेयर? नो। वाटर? नो। नाइस थिंग टू ईट? यस। कुछ ना कुछ नई चीज उसे खाने को देता था। ओके, तो नाउ यहाँ पर आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले? एक दिन कालू ने उसके साथ क्या ट्रिक की थी? तो सुई चुपा दी थी ना खाने में, तो ही पिक्ड अप्पूज ट्रंक विद द नीडल्स। नीडल्स है ना? यस। तो गेव अप्पूज चिली एंड इट टू? नो। वाटर ऑन अप्पूज? नो। तो यहाँ पर पिक्ड अप्पूज ट्रंक नीडल है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, मतलब कि कालू ने अप्पू की सूंड में नीडल्स कुछ खाने के साथ में नीडल दे दिया था, है ना? नीडल मतलब स्कूई चुभोती थी ना। सेवन नंबर, अप्पूज रन अवे इन डैश एंगर पेन फ्राइट फाइट और जॉय। तो पेन से क्या करने लगा? पेन से, क्योंकि अप्पू ने उसके सूंड में सुई चुभो दी थी, तो पेन से अप्पू भागने लगा। किसे? पेन से। तो यहाँ पर आंसर इज बी। ओके, फिर नेक्स्ट, व्हाट डिड अप्पू डू टू डेज लेटर? फिर अप्पू ने दो दिन के बाद क्या किया था मालूम है ना? तो पानी थ्रो कर दिया था उसकी दुकान में पूरा पानी। तो ही हीट कालू? नो। ही टूर कालूज क्लोथ्स? नो। ही पिक्ड कालूज विथ नीडल्स? नो। तो ही थ्रो वाटर इन द कालूज सोप? यस, अप्पू ने उसकी दुकान पे कालू की दुकान में पूरा पानी भर दिया था। ओके, थ्रो कर दिया था। ओके, तो आंसर इज डी। ओके, अंडरस्टैंडिंग बच्चों? व्हाट डिड अप्पू से अप्पू ने क्या कहा था? तो अप्पू ने लास्ट में कालू को कहा था कि कभी एलिफेंट को भूलना नहीं चाहिए। ओके, तो आई एम सॉरी नहीं कहा, ये नहीं कहा था, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट। तो आंसर इज बी। ओके, आंसर इज बी, समझ में आ रहा है बच्चों? फिर नेक्स्ट, व्हाट डिड कालू से कालू ने क्या कहा था? तो कालू ने सॉरी कहा था, तो आई एम सॉरी। लास्ट में कालू ने अप्पू को सॉरी कहा था, तो आंसर इज बी, समझ में आया बच्चों? ओके, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और ये आपको पूरा लिख लेना है 10। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे। ओके, इसमें से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ओके, एग्ज़ाम होगी, है ना? फिर लुक लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर ये आपको बोलना है और लिखना है। देखें, यहाँ पर जैम पेन यम ज़िब्रा ज़िप पिल यस ज़िप जॉय पिंक येल ज़िगज़ैग जग पोट यंग ज़ूम ज्यूस पुल यमी ज़ूम। ओके, ज़िब्रा ज़िप ज़िगज़ैग ज़ू ज़ूम। ओके, यम यस येल यंग यमी पेन पिल पिंक पोट पुल जैम जिप जॉय जग जूस, ऐसे बोलना है। ओके, ये राइमिंग वर्ड है ना बच्चों? तो राइट वन वर्ड्स द बिगिन विद द सेम साउंड, सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे ऐसे वर्ड लिखना है। यहाँ कर पोट तो पाउंड। ओके, पोट पाउंड। तो यहाँ पर इस तरह से जूस, तो यहाँ पर देखो जूस, तो जूस से जग है ना, जग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जग। ओके, जूम जूम तो जू जूम। ओके, ज़िगज़ैग तो यहाँ पर मैं लिखूँगी जू। ओके, जोक जोक जे ओ की जोक
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जॉय, जॉय, जॉब, ओके। नाउ पुल, पुल में क्या होगा, पुल, पोट, पिंग, पेन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, पोट। फिर नेक्स्ट येल, येल में क्या होगा, येस, येल, ओके, तो येस। नाउ नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर इसी तरह से हमें राइमिंग विद द गिवन वर्ड्स हैं, चूज द वर्ड्स दैट राइमिंग्स विद द गिवन वर्ड, ओके। तो यहाँ पर ब्लैंक है, तो फर्स्ट है देखो यहाँ पर ब्लू, तो एग्जांपल देखते हैं पहले, देखो यहाँ पर क्लिप है, क्लिप जिप, ओके, जिप जू, तो क्लिप जिप, तो इस तरह से ब्लूम, जू, जूम, यहाँ पर एम है देखो यहाँ पर, ओके, तो यहाँ ये आएगा, ओके, तो यहाँ पर लिखना है जूम, अंडरस्टैंड। पेन, पेन, टेल, ट्रेन, ये होगा पेन, ट्रेन, तो यहाँ पर लिखना है ट्रेन, ओके। फिर ब्लिंक, ब्लिंक, तो पिंक है ना, लिंक, पिंक, ब्लिंक, पिंक है ना, तो पिंक। नेक्स्ट क्लेवर, रिच, रिवर, वर है यहाँ पर, वर है, तो क्लेवर, रिवर, तो रिवर, ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लिक, तो क्या होगा, ट्रम, ट्रिक, तो क्लिक, ट्रिक, ट्रिक। फिर होप, सोप है ना, होप, सोप। फिर सेलर, टेलर है ना, टेलर, सेलर, टेलर, तो आपको लिखना है टेलर, ओके। नेक्स्ट कूल, स्कूल, कूल, स्कूल। फिर नेक्स्ट पोटर, ई आर है देखो यहाँ पर, पोटर, टी ई आर, तो वाटर, वेव नहीं होगा, वाटर, पोटर, वाटर, है ना, डब्ल्यू ए टी ई आर। फ्लो, तो येल्लो, येल्लो, देखो यहाँ पर लास्ट वाला वर्ड, ओके, समझ में आए बच्चों। तो आपको ये स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, ओके, फिर आप लिख लो, ओके, आपकी नोटबुक में, अंडरस्टैंड बच्चों। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों देखिए, ये अप्पू वाले एलिफेंट पे आपको कलर फिल करना है, ओके, आपका आपको ये ड्रॉ कर देना है आपकी नोटबुक में, और उसमें कलर करो, एंजॉय करो, फिर है ना। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर एलिफेंट के बारे में हमने देखा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ सेंटेंस गिवन है हमें, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, है ना। तो यहाँ पर द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल, कौन सा एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, है ना, तो ये आएगा बिग एनिमल फर्स्ट में। सेकंड में इट इज डैश इन द कलर, तो उसका कलर कौन सा है बच्चों, यहाँ पर ग्रे है, ब्लैक ग्रे, ओके, तो यहाँ पर सेकंड में ग्रे। इट हैज अ लॉन्ग, क्या होगा बच्चों, लॉन्ग ट्रंक, है ना, तो ये थर्ड नंबर है, ओके। फिर इट हैज़ अ शॉर्ट टेल, है ना, टेल, ओके। नेक्स्ट ही हैज़ अ बिग ईयर्स, ओके, ईयर्स, ओके, और इट हैज़ अ टू वाइट टीथ, है ना, वाइट टीथ है ना उसके, यहाँ पर ये सिक्स नंबर, ओके। तो आपको आंसर लिख देना है, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, ओके। फिर नेक्स्ट इट इज अ ग्रे कलर, नेक्स्ट इट हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज अ, सॉरी बच्चों, यहाँ पर इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, ओके, और इट इज अ लॉन्ग शॉर्ट टेल, ओके। इट हैज अ बिग ईयर्स,
and it has a two white teeth. Okay, understand? आपको इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है. ओके, नाउ चलो बच्चों, ये आपको आप योर सेल्फ अपने आप लिखना है. ओके, कंप्लीट द सेंटेंस इन वन वर्ड्स. माय नेम, तो आपका नेम लिखना है यहाँ पर. आई हैव अ टू हैंड्स, टू लेग्स, वन नोज, आप कुछ लिख सकते हो. ओके, माय हाउस इज अ बिग स्मॉल. ओके, बंगलो ऐसे लिख सकते हो. आई लाइक फ्रूट्स, फिर आपको जो पसंद है वो लिखना है. आई डू नॉट लाइक, आपको जो नहीं पसंद है. आई लाइक प्ले गेम. ओके, प्ले गेम. ओके, आई डू नॉट रीड स्टोरी एंड एक्सेट्रा. आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो नहीं पसंद है आपको यहाँ लिखना है. आपका हाउस घर कैसे है, बड़ा है, छोटा है, बिग स्मॉल. आई हैव अ टू इयर्स, टू वन नोज, ऐसे आपके पास जो है यहाँ पर लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक लिसन एंड रिपीट. ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, ये वन है. ओके, वन बॉल, तो यहाँ पर वन बॉल. ओके, यहाँ पर वन एंड टू, तो टू बॉल्स. ओके, ये वन है. ओके, बट ये मेनी. ओके, वन. ओके, वन बॉल एंड टू बॉल्स. यहाँ पर देखो मेनी, ज़्यादा चीज़ होती है तो यहाँ पर पीछे एस लगता है. बॉल, बॉल्स, है ना. फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो एप्पल, यहाँ पर एप्पल है, वन एप्पल. ओके, बट यहाँ पर वन टू थ्री, तो थ्री एप्पल्स, एस. ओके, एप्पल एस. ओके, नाउ इसी तरह ये ऐसी एक्सरसाइज हमें करनी है. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर काउंट एंड राइट वन लैम्प, यहाँ पर वन लैम्प, तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पर लिखना है फोर, फिर लैम्प्स. ओके, पीछे क्या लगेगा, एस. ओके, एस लगाना है. ओके, फिर वन टेबल. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, वन टेबल, तो यहाँ पर वन टू, यहाँ पर टू टेबल्स. ओके, एंड ओनली एस पीछे लास्ट में लगाना है. यहाँ पर वन कैप है, बट वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, कितनी कैप है, एट, एट कैप्स लिखना है. ओके, फिर नेक्स्ट वन स्टार. ओके, वन, तो यहाँ पर कितने स्टार हैं काउंट करना पड़ेगा ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, कितने हैं, ट्वेंटी स्टार्स. ओके, तो यहाँ पर ट्वेंटी लिखना है और स्टार्स लास्ट में एस. ओके, क्योंकि मैनी बहुत ज़्यादा है ना. यहाँ पर वन ट्री, तो वन, इस साइड कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पर सिक्स ट्रीज. ओके, लास्ट में एस लिखना है. ओके, यहाँ पर वन फ्लावर. ओके, तो यहाँ पर कितने हैं, तो काउंट करना पड़ेगा, हाउ मेनी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितने हैं बच्चों, फिफ्टीन, फिर से काउंट करना है. नो, नहीं कि आप करते हो, फिफ्टीन सही है ना. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, यस फिफ्टीन, फिफ्टीन फ्लावर्स है. फिर नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर वन बेल, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बेल्स. ओके, यहाँ पर कितने बेल्स हैं, नाइन बेल्स. इस तरह से ये एक्टिविटी आपको करनी है और आंसर लिखना है. चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये वन पेंसिल, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन. देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने काउंट करके राइट कर दिए हैं, तो आपको भी इस तरह से
काउंट करके लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड राइट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट रीड एंड ट्रेस द कैपिटल लेटर्स, तो हमें कैपिटल लेटर्स यहाँ पर ट्रेस करके लिखना है। ओके, इस तरह से ए, फिर नेक्स्ट बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना बच्चों? तो आपको भी इस तरह से आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक, ए यहाँ पर लिखना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड लास्ट में जेड। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, सर्कल द ऑड पिक्चर इन ईच सेट। यहाँ पर देखो, ये गेम खेलने के लिए। ओके बच्चों, ये घड़ी डू नॉट प्ले, ओके खेलने के लिए नहीं है, तो इस पर हम सर्कल कर देते हैं। यहाँ पर देखो, सारे टीचर्स, पुलिसमैन, फार्मर, गार्डनर, ओके पोस्टमैन है, बट ये यहाँ पर ट्री इज अ डिफरेंट, तो यहाँ पर मैं इससे सर्कल कर देती हूँ। फिर एम जेड 9TB, ये अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है, तो ये डिफरेंट है। ओके, तो इस पर सर्कल कर देना है। देखो यहाँ पर सारी थिंग्स, बुक्स हैं, पेंसिल हैं, कलर, ओके, बट ये स्पून अलग है ना, तो यहाँ पर मैं सर्कल कर देती हूँ। ओके, फिर यहाँ पर देखो फ्रूट है। ओके, ये सन है, सनफ्लावर, ओके एप्पल, बट ओके बच्चों, यहाँ पर ये सन है ना, जो ओड है। ओके, तो इसको हम सर्कल बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टमेटो है, लीव है, आइसक्रीम, केक, और यहाँ पर ये लीव, क्योंकि ये सारी खाने की चीज़ें हैं। ओके, ये अलग हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अम्ब्रेला क्यों, क्योंकि ये हम बारिश रेनी सीजन में यूज़ करते हैं, बाकी सारे विंटर में। ओके, नाउ यहाँ पर चेयर, बेड, ओके फिर टेबल्स, ओके बॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग है, देखो आप देख सकते हो। यहाँ पर म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, और ये बेड इज़ अ ऑड है। तो नाउ यहाँ पर ये सारे गेम, ओके बट यहाँ पर क्लॉज। ओके, समझ में बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। ओके, आपको रिवीजन करते रहना है। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू।